कांग्रेस की सरकार है, काम काज क्या रहे हो? मारत की करियो को की बताओ। तो जी अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों मैदान में है, इनो नरेंद्र बुडानिया इनो राठौड़ साहब कौन सो लाग रहे भारी थाना भारी राठौड़ है तो राठौड़ 30,000 वोटों चुनाव जीतेगो चौथी पंथी में रहेगो बुडानिया जी। मार तो बीजेपी की सरकार में काम होयडो है, गांव में जो कोई ईंटी कौन लागी नहीं कांग्रेस की सरकार में। बीजेपी है मुख्यमंत्री किन देखना चाहोगा? मुख्यमंत्री में तो मारलो नहीं देखना चाहूंगा राठौड़ साहब। तार नगर के पाकिस्तान जीत जावे तार तो छोटी सी बात है। कांग्रेस से करे चुरू हारन लाग रही है हटा अब यहां से ये करे टोडा सरा कोनी के चिमनी खराब हो गई। अरे बिंग राठौड़ नाम की बीमारी हो रही है, सबसे भ्रष्टाचार है जो टोडा सरा है। मारो काम है कि मोदी योगी जी होगा जब तक बीजेपी ने वोट टेकांगा आदमी के आधार पर ही वोट देवा में राज भी लिखड़ो है मोदी के रिंग है राजे राठौड़ के। राम राम साहब, मैं हूं अंकित और देख रहे हो देसी खबरों गुरु जलको चुरु। जिया की थाना पता है कि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है, बाकी सरगर्मियां आज प्रत्येक गली और नुक्कड़ पर देखी जा सके है। अटक जगह मतदाता है वो बातचीत करांगा और तारानगर है बिया भी एक और सीट कही जा रही है। अठू नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं और बांग सामने कांग्रेस का कद्दावर नेता नरेंद्र बुडानिया है और CPM की तरफ निर्मल प्रजापत भी आपकी उम्मीदवारी कर रहा है। सारा प्रकुल की बातचीत करांगा, वीडियो एंड टाइम देखियो। राम राम भाई, राम राम। आपने तारानगर विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं 25 तारीख ने और बीजेपी कांग्रेस कॉमरेड कई दल लड़ रहे हैं, सराहनीय अगर बात कर लें तो ठूकिंग पक्ष ज्यादा लाग रहे हैं माहौल राठौड़ गए भाई। तो जी राठौड़ साहब आगे चल रहे हैं तो जी पिछले 5 साल की कामकाज की बात कर लें, कांग्रेस की सरकार है काम काज क्या रहे हो? कामकाज भाई मार तो की करियो को की बताओ फिलहाल में तो घना ही बजा फिर आओ कोई मान तो कोई सुनाई तो करी कोनी बड़े बुढ़ा नहीं गया बन गया दिल्ली उड़ जाओ। अच्छा तो और जी गांव की बात कर लें, सराना का बड़ा मुद्दा की है ना जितना और कोई पानी का मुद्दा है बड़ो जी पानी का मुद्दा बता रहे हो तो के टाइप सिंचाई को पानी पेयजल को की नहर वाला पानी आठे सिंचित एरियो को नहीं हो सिंचित एरियो को नहीं काट दियो आठ तो आओ सीधी नहर है जगह आठू जानी तो ये फोगा अर गई है दिगर बिल्लू पक्षपात गई है। तो जी अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों मैदान में है, इनो नरेंद्र बुडानिया इनो राठौड़ साहब कौन सो लाग रहे भारी थाना भारी राठौड़ है तो राठौड़ 30,000 वोटों चुनाव जीतेगो। कई लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, टक्कर में आई को नहीं राठौड़ जीतेगो साहब। अठू तारानगर को पानी हो तो पाछो ले गयो अठे नहर को रकबो तो घटे जोड़ियो को नहीं नहर जुड़नी चाहिए खाड़ा आना चाहिए। अरे वोट है गम में ते थाने बताऊ राठौड़ नहीं ज्यादा मिलेगा चौथी पंथी में रहेगो बुडानिया जी। CPM की अगर बात कर लें कॉमरेड नेता भी लड़ रहे हैं रुझान है कॉमरेड बुडानिया जी गांव एक बराबर रहेगा गांव में थन बदूती जी। आ तो अठारह तारण की विधानसभा की बात होगी, एक जी प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की 5 साल बीजेपी की आओगी सरकार 5 साल सरकार को काम काज क्या रहे हो सरकार मारक ही काम को नहीं होड़ी अठ मार तो बीजेपी की सरकार में काम होड़ो है गांव में जो कोई ईंटी कौन लागी नहीं कांग्रेस की सरकार में। तो जी गहलोत साहब कह रहे हैं कि जी सिलेंडर सस्तो दे रहे हैं लाइट थोड़ी 100 यूनिट फ्री करी है चक्कर घेरा क्या है राशन किट गया माँ गंदो नहीं खड़े गलेड़ी मिर्च नहीं खड़े हल्दी गलेड़ी नहीं खड़े क्या है खाने लायक है ही को नहीं मोबाइल फोन भी बांट रही है इसका मतलब मैं किन्हीं को नहीं बांटे हो फोन है आंगो नाम आयडो कट गयो सो आज रियानो मिली को नहीं आधा एक काम रह गयो जी। बिजली की और जगह मुद्दा बताया जाए भी क्या सिस्टम है बिजली बाजली आवे ही कौन लाइट है बिजली बिल आओगे क्या अब तो चुनाव है अब तो आंती होली चुनाव में अब तो आवे थोड़ी बहुत की है तो अब तो आवे अब की बार थाना है राज्य के अंदर की सरकार लग रही है बीजेपी की आओगी सरकार धड़ाकों आओगी स्कीमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थाने के लाग रही है स्कीमा तो होनी चाहिए तो खो की नहीं मिले तो बढ़िया ही है स्कीमा। तो गहलोत साहब तो कहे अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो स्कीमा बंद कर देगा क्या बंद कर जाएगा तो कर जाएगा भी मार के सारे तो बीजेपी में जी चर्चा है कि मुख्यमंत्री का कई दावेदार है जखम राठौर साहब भी एक दावेदार माने जा रहे हैं पक्की मिलेगी तो जी आंग समझ का दावेदार है भी प्रबल है वसुंधरा जी है गजेंद्र सिंह शेखावत है वसुंधरा जी दो पार्टी को फैसलो है पार्टी करेगी जो को मंजूर है जनता के तो तारनगर के पाकिस्तान जीत जाए तारनो तो छोटी सी बात है कांग्रेस तो करे चुरू हारन लाग रही है अब यहाँ से ये करे टोडा सरा को चिमनी खराब हो गई जब वो बेक लो रही है चार सर्वे कराया चारा महाराज अरे बिंग राठौड़ नाम की बीमारी हो रही है इंडिया में इलाज को नहीं बड़ी और चिमनी साफ हो जाओ देख ले 3 तारीख में सर्वे उठा पड़ जाओ सर्वे के परिणाम उठा पड़ जाओ कितो लगा रहे हो के परिणाम आओ लगभग 35,000 प्लस जीत है टोडासरा साहब है जो रिकॉर्ड करे सर्वे करवाए हुए सर सबसे भ्रष्टाचार है जो टोडासरा है कांग्रेस एक समाज ने मुद्दा बना रही है लेकिन राठौड़ साहब है वो एक बात कर ले दो दलाई बात होगी कांग्रेस बीजेपी एक थर्ड फ्रंट है CPM को लगातार जिसका निर्मल प्रजापत है आपके धरना प्रदर्शन के जरिए कह रहे हैं कि मैं लड़ाई लड़ रहे हैं किसान की बांगो के रुझान है भाई साहब वो बड़ी आदमी है एक रियल हकीकत में किसान के लिए लेकिन बिंगो फिलहाल का टाइम में माहौल को नहीं अब हो चीज को नहीं बंटा को नहीं आदमी बढ़िया है वो के कारण है बीच CPM को जनाधार क्यों नहीं वो यहाँ को नहीं घाट एक सबसे बड़ी बात तो है कि जातिवाद को बहुत बड़ा फर्क है। अब जी CS बैच ज्वाइन करी बीजेपी दल बदल सही है या फिर गलत है माहौल का हिसाब सही है दल बदल राजनीतिक फायदों कैसे कहा राजनीति फायदों तो फायदो मानो मानो तो है अठे वो राठौड़ साहब की बार आया चुनाव था महाराज बता 35,000 वोट है
फिर भी वो बंदो 20,000 प्लस चुनाव जीता। जाट कौन वजह से चुनाव जीत रहे हैं? 50% चुनाव जीत रहे हैं राठौर साहब, क्योंकि जातिवाद की वजह से। सीएम को चेहरा बता रहे थे बिल्कुल है साहब। हां है, जरूर है। चलो ये कुर्सी बनती है भाई। बात देखो आगे की बड़ी, आगे जाना है। मारो काम है कि मोदी योगी जी होगा जब तक बीजेपी ने वोट टेकांगा। डंगू आदमी आए ना तुम्हारा कोई कांग्रेस बीजेपी है कोनी बैठी कोनी। डंगू आदमी काम करना हमें कांग्रेस ने टेक दिया। पण आदमी व्यक्तिगत मायनो रखे जी। हां व्यक्तिगत मायनो रखा साहब। आदमी के आधार पर ही वोट देवा हमें। हैरिंग है राज भी लिखे है मोदी के हैरिंग है राज राठौड़ गए। अरे कोंद्रा जी भी आके तैयार है। वसुंधरा हो मेरे कोनी कांग्रेस जीते परेशान कौन करे। लाइट लूट तो कौन काटे बलो ना करे तो बुरो के करेगी। वाह कांग्रेस सरकार को कामकाज क्या लाग रही है? बढ़िया कौन लाग रही है? बढ़िया कौन लाग रही है? अब की बार की उम्मीद है की कांग्रेस की बीजेपी की? बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री राजेंद्र राठौर। बीजेपी को अच्छा माहौल है और बीजेपी की जीत होगी। 200 सीटा 150 पार करेगी। तो जी सी एस बैद ने अब जी ज्वाइनिंग कराई है बीजेपी तो बंगा जगह वोट आया 42,000 वोट आ पिछली बार बंगा बीजेपी ने कितना फायदा मिला? अच्छो तकड़ो फायदो मिले। वो जीत को के अनुमान है तारनगर में? जीत को अनुमान 35,000 पार बीजेपी जीतेगी। तो जी हाँ, और सीपीएम की बात कर ले, सीपीएम उतना दर की लाग रही है? आपको प्रयास तो भी करी सी लेकिन बाकी बीजेपी को जोर है। अब की बार के लाग रही राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी सरकार बीजेपी आ रही है। बीजेपी है मुख्यमंत्री किन देखना चाहोगा? मुख्यमंत्री में तो मार नहीं देखना चाहूँगा राठौड़ साहब ने। राठौड़ साहब ने तो अंग साहब में दावेदार भी बहुत है। राठौड़ साहब की मुख्यमंत्री की आप पहचानिया कर रहे हैं कि एक है जमीन स्तर जुड़े नेता है। अच्छा। और स्टार्टिंग से संघर्षशील नेता है और आज भी संघर्ष करता रहे हैं। ऐसा यहाँ को नहीं कहे जी हाँ फोन कर आना, फोन कर दियो कोई भी काम, एक छोटो सा बच्चों कर दियो या कोई भी बंदो काम फोन करियो है तो ए भी आदमी को फुल सपोर्ट करियो है। चाहे जयपुर जाके कोई काम पड़ो है, चाहे मारो चूरू पड़ो है, जो भी मारो धरातल स्तर पर काम पड़ो नहीं तो ए आदमी मैंने पूरा सहयोग दियो, आज तक मना कौन करियो। तो अपनी स्पेशल चुनावी यात्रा आई सरायन गाँव के अंदर, तो 28 का मतदाता हाँ बातचीत करिए। प्रमुख मुद्दा जाने गांव का जय जय राजस्थान।